So guys, आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं आईक्यू के 12 5G डिवाइस के अंदर आपने फोन के अंदर कॉन्टेक्ट नंबर से फोटो कैसे सेट कर सकते हो। मीन्स की गाइज आपने कुछ नंबर्स को सेव करा एंड सेम नाम से ही सेव कर दिया तो आइडेंटिफाई करने में प्रॉब्लम्स होती है कि किस पर्सन का कौन सा नंबर है। तो आप चाहे तो उस पर्सन को नंबर भी सेव करो, नाम भी सेव हो और इमेज भी साथ में सेव कर सकते हो। काफी इंटरेस्टिंग चीज है, तो चलो भाई डेमो करते हैं और आपको दिखाते हैं फोटोज कैसे सेव करते हैं कॉन्टेक्ट नंबर्स पर। वेल गाइस, इस कॉन्टेक्ट नंबर पर फोटोज को यूज करने के लिए हम यहाँ पर एक्सेस कर रहे हैं गूगल डायलर का, क्योंकि ये गूगल डायलर फोन के अंदर जब बाय डिफॉल्ट डायलर है एंड काफी ज्यादा लोग इसको एक्सेस करते हैं, इसलिए गूगल डायलर के अंदर बता रहा हूँ। हालांकि वीवो का अगर ओल्ड डायलर भी एक्सेस करते हो तो उसमें भी ये चीजें देखने को मिलती है। इसको आप प्रेस कर लेना एंड ये इसका डैशबोर्ड है। पहले तो इस नंबर्स को सेव करना होगा, जिस तरह से हम सेव का प्रोसीजर फॉलो करते हैं वही सेम प्रोसीजर फॉलो करना है, इसको सेव करना है। तो आप चाहे तो इसको प्रेस करके भी यहाँ पर प्लस साइन पे क्लिक करके सेव कर सकते हो, अदरवाइज आपको जो भी प्रोसीजर आता हो, काफी टाइप्स हैं सेव करने के नंबर्स को, उस तरीके को फॉलो कर सकते हो। क्रिएट अ न्यू पे क्लिक करना। अब यहां पर एक चीज ध्यान रखना, आपका जो ये सेव वाला ऑप्शन है ये ईमेल आईडी या फिर फोन स्टोरेज में होना चाहिए, ना कि सिम कार्ड में। सिम कार्ड को प्रेस करते हो तो उसमें आपको फोटो ऐड करने का ऑप्शन नहीं आता। अब यहाँ मोर डिटेल पे क्लिक करना, अब ये आ जाएगा, हमारी ईमेल आईडी शो कर रही है क्योंकि हमने ईमेल आईडी में इसको लगा के रखा है। अब यहाँ पर नाम पूछ रहा है, नाम तो हम एक्स वाई जेड कुछ भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर ऐड पिक्चर के ऑप्शन होगा, इसको प्रेस करना और आपकी गैलरी ओपन हो जाएगी, इसको प्रेस कर लेना। एंड गैलरी से आप कोई सा भी एक इमेज लेते हैं, हम इंस्टाग्राम की कुछ इमेजेस हैं, इसको क्रॉप टूल मिलता है, आप इस तरह से क्रॉप कर सकते हैं जूम इन जूम आउट करके। इसके बाद यहाँ पर चूज पे क्लिक करना है एंड इसको सेव कर देना। मैंने इस नंबर पर जो है फोटोज लगा दिया है। अब इस नंबर को फोटो लगा दिया, हमें आइडेंटिफाई करने में काफी इजी होगा कि ये किस पर्सन का नंबर अभी यहां पर आ रहा है। और गूगल डायलर में सबसे बढ़िया चीज ये लगती है, अगर आप नंबर्स को ब्लॉक करते हो उसका भी आपको आइकन मिलता है, फोटोज लगाते हो उसका भी आइकन मिलता है। हाँ, ये कलर आईडी फोटो के लिए नहीं है, कुछ लोग बोलते हैं कि कॉल आती है तो फोटोज फुल स्क्रीन में कहीं नहीं दिखती है, उसके लिए आप कलर आईडी फोटो का एक्सेस कर सकते हो। ये सिर्फ आपको आइडेंटिफाई कराता है, इसी सर्कल में रहेगा जितने में ये है। तो इस तरीके से आप जो है ये मत सोचिए कि आपने इसको लगा दिया तो कलर आईडी फोटो का भी काम करेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। हालांकि उसके लिए आप कलर आईडी फोटोज वाली एप्लीकेशन को ही एक्सेस कर सकते हो। वीडियोस बहुत सारी बने बनाई हुई, आई बटन को फॉलो कर लेना। आई थिंक समझ गए होंगे कॉन्टेक्ट नंबर पे फोटोज कैसे लगाना था आईक्यू के 12 5G डिवाइस के अंदर।